जय हिंद मित्रों। देखिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्निवीर आर्मी की लिखित परीक्षा के लिए हम क्या जीके में पढ़े क्या न पढ़े। बच्चे के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि वो सर बच्चा मैसेज वगैरह कर रहा है, सर फोन कर रहा है, जो बच्चा घर पर रहकर सर स्टडी करता है तो उसने कई बार मतलब ऐसा हमारे सामने समस्या आई, कई बार क्वेश्चन आए कि सर जी हम कैसे पढ़े, क्या चीज हमको पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं जो बच्चा शिनान अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, आर्मी की या एयरफोर्स की या फोर्स से संबंधित कोई भी नौकरी, कोई किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहता है, भर्ती की तैयारी करना चाहता है तो वो अकेडमी ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन बैच हमारा स्टार्ट है, सुबह 9 से 8 तक हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट है और इवनिंग में भी हमारी क्लास स्टार्ट होती है, ओपन रहती है, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं श्रीराम अकेडमी का ये देखिए हमारा बिल्डिंग वगैरह है, काफी रूम है ना, अच्छा एटमोसफेयर है। यदि कोई बच्चा श्रीराम अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, अकेडमी में रह के वो सेना में भर्ती होना चाहता है तो वो आराम से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि हमको पढ़े क्या, हम जीके में क्या पढ़े। तो आज की वीडियो में केवल हम जीके के बारे में बात करेंगे, जीके का जो सिलेबस है जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जीके में दो चीजें होती है, एक तो नॉर्मली भारत होता है, भारत और एक विश्व है ना, तो दो चीजें तो पढ़नी है हमको। तो भारत में क्या पढ़ना है, भारत के बारे में क्या पढ़ना है, तो देखिए हमने 1-2-1 करके सब कुछ लिख दिया है, और ये कुछ नहीं पढ़ने का आपको इनके अलावा, बस आप इनको बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए। मेरा वादा है कि आपका 30 क्वेश्चन आएंगे जीके एनजीएस के, 30 में से 29 का मेरा वादा आएगा आपसे, ठीक है। तो देखिए सामाजिक भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, देशों की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, ये छोटे छोटे से टॉपिक है, 5-5 मिनट के टॉपिक है। राज्य राजधानी, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, बताइए राज्य राजधानी याद करने में क्या आएगा, 5 मिनट का टॉपिक है, एक बार याद कर लिया तो आज जीवन कारावास हो जाएगा हमको जी। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, आगे राज्यों के डांस वगैरह, जैसे राजस्थान का क्या है ना, घूमर है, गुजरात का डांडिया है, गरबा है, औद्योगिक शहर, पर्यटन स्थल, ये छोटे छोटे से टॉपिक है, बताइए कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आगे है रिवर्स, देखिए बाबू रिवर्स है ना, तो रिवर्स के किनारे है, रिवर के किनारे बसेस है, ये आएगा, जैसे कि लास्ट टाइम आया था दिल्ली किस रिवर के किनारे, दिल्ली किस रिवर के किनारे, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। आगे बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है बाबू, है ना, बहुदेशीय जो रिवर है उन पर बनी हुई जो परियोजनाएं हैं वह कुछ लेगा, जैसे फरक्का बांध परियोजना, पश्चिम बंगाल गंगा नदी के किनारे, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन, कुछ नहीं पढ़ने का। आगे सब सबसे छोटा बड़ा ऊंचा लंबा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। हम आपको वीडियो लेकर आएंगे, हम बताएंगे क्या चीज पढ़नी है इसमें भी, क्या नहीं पढ़ना है, मुट्ठी भर का सिलेबस है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे पढ़िए, देखिए भारत की प्रमुख विभूतियों के उपनाम है ये हमको जानकारी लेंगे। देखिए समाधि स्थल है, राजघाट पूछता है, पता ही आपको राजघाट, महात्मा गांधी राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट है ना, मकबरा बाबर का मकबरा जैसे काबुल में है, औरंगजेब का मकबरा जैसे कि यहाँ औरंगाबाद में है, बहादुर शाहजहां जफर का मकबरा रंगून में है, यंगून में है, इस प्रकार के क्वेश्चन। अगला सर्वोच्च सम्मान पढ़ना है ना, फिर प्रमुख पुरस्कार पढ़ने हैं, स्पेशल हमने इसमें लिख दिया नोबेल के, विशेष तौर से ध्यान देना नोबेल ज्ञानपीठ और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे हम वचन नारे और दूसरा टॉपिक है प्रमुख दिवस है ना, दिन जरूर पूछा जाता है, एक दिवस जरूर पूछा जाता है, ओजोन दिवस पूछ ले या थल सेना दिवस पूछ ले, वायुसेना दिवस पूछ ले, एक लिखवाया जाता है इसमें, एक पूछा जाता है, वो हम आपको बता दें। आगे प्रमुख बुक्स है ना एंड राइटर है ना, लेखक क्या है, इनके लेखक वगैरह पूछता है। आगे देखिए भारत का संविधान, तो भारत के संविधान से जानते नहीं, आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो बहुत सारा टॉपिक है, जानते नहीं है, एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। अगला परिवहन बाबू जरूर पढ़े और